So, okay. Fine. Sabah, can you hear me? Yes, sir. All right, fine. अच्छा, अली क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा? He must have thought कि आज क्लास नहीं होगी. चलें, खैर. मैंने ऑलरेडी जो एक्सप्रेशंस पेस्ट किए हैं उनसे हट के मैं बात कर रहा हूँ, बट यू ऑलरेडी मस्ट हैव डेवलप्ड एन आइडिया कि किस तरह से एक्सप्रेशंस होंगे. अच्छा, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे मैप है. नॉर्मली मैप्स वही होते हैं कि जो दो डिफरेंट टाइम्स के हों. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पास्ट के हों, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से एक पास्ट का हो, एक फ्यूचर का हो, या फिर एक प्रेजेंट का हो, एक फ्यूचर का हो. अच्छा, रेयरली उस तरह के भी मैप आ सकते हैं कि देर इज ओनली वन मैप और उसमें कोई या तो टाइम मेंशन नहीं है, या अगर है तो वो प्रेजेंट की है. उस किस्म के मैप के अंदर जो आइडिया होगा वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है, लेकिन असल प्रॉब्लम वही आती है जहां पे दो पास्ट के अलग अलग टाइम्स हों और एक पास्ट या एक फ्यूचर का हो. अच्छा, अब जिस तरह से टेंसेस की भी बात हो रही थी कल भी, जैसे अनवार आज भी हम कैंपस में डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा टेंस लगना चाहिए, तो ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन के हवाले से जो मैंने कल बात की थी उससे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा. यानी बॉडी पैराग्राफ जो है उसमें आप प्रेजेंट टेंस के अंदर बात नहीं कर सकते अगर कोई चीज पास्ट में से. असल में ओवरव्यू जो है वो डिस्क्रिप्शन होती ही नहीं है किसी चीज की. यानी हम मैप को डिस्क्राइब ओवरव्यू में करते ही नहीं. ओवरव्यू एक यूं समझिए कि हेलीकॉप्टर व्यू है, तो सॉर्ट ऑफ एन आउटसाइडर्स क्रिटिक उस चीज के ऊपर. तो इसलिए वहां पे आप अलग वो पॉसिबल चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं. इन बॉडी पैराग्राफ्स जो जमाना है उसी का टेंस होगा. अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ये 1995 है, टम्बल डाउन कोई सिटी है उस का नाम है, और 1995 में वही मैप है 2010. अच्छा, अब पहले मैप को पढ़ना समझते हैं. देखिए, मैप के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव अ कंपस गिवन. कंपस हमेशा आपको ऑलमोस्ट ऑलवेज मिल जाएगा, तो लाजमी नहीं है कि कंपस के चारों डायमेंशंस मेंशन हो. आई मीन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. इवन इफ जस्ट वन ऑफ देम इज अवेलेबल, बाकी द रेस्ट इज वेरी इजी. वो समझ आने वाली चीज है कि द डायरेक्शन विच इज राइट ऑपोजिट टू नॉर्थ इज एक्चुअली साउथ, एंड ऑन योर राइट देर इज ईस्ट, एंड टू योर लेफ्ट इज वेस्ट. सो ये डायमेंशन है. अच्छा, समटाइम्स अगर कहीं पे ये कंपस मेंशन नहीं भी है तो यू कैन एक्चुअली अस्यूम द डायमेंशंस और द डायरेक्शंस. यानी जो अपवर्ड जो डायरेक्शन है वो हमेशा मैप के ऊपर नॉर्थ होती है, यानी जो सामने की तरफ. सो ये बाय डिफॉल्ट ये बात सेट है. तो अगर वहां पे कहीं पे कंपस गिवन नहीं भी है तो भी आप देखेंगे मुख्तलिफ सैंपल आंसर्स के अंदर कि वो डायमेंशन वही कि राइट साइड पे ईस्ट है, लेफ्ट पे वेस्ट है, सामने नॉर्थ है, एंड डाउन की तरफ या बैक अगर आप उसको कहें तो वो है वेस्ट, सॉरी साउथ. ये एक तो चीज पहली ये याद रखनी है. अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ये मैप है, तो अब ये वाला पोर्शन क्या कहलाया जाएगा? ये उसी उन्हीं वोकैबुलरी के अंदर आप देख सकते हैं जो मैं एक्सप्रेशंस उनमें से एक वर्ड यूज होगा. साउथ सॉरी, जोर से बोले थोड़ा ऊंचा, आई कुडंट हियर यू. साउथ साउथ ईस्ट है ये, साउथ यानी राइट साइड की तरफ. अगले से अब ये अगर ईस्ट है और ये अगर साउथ है तो ये वाला पोर्शन साउथ ईस्ट हुआ. उस हिसाब से ये वाला पोर्शन क्या है? साउथ वेस्ट यस. अब ये लेफ्ट साइड पे वेस्ट है और डाउन साउथ है, ये साउथ वेस्ट हो गया. वेरी गुड. एंड देन दिस पोर्शन, नॉर्थ वेस्ट गुड. एंड ऑफ कोर्स दिस वन इज नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट. गुड हो गया. अच्छा,
ये तो बेसिक आइडिया है। अच्छा, अब उसके बाद जो कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस किया, हमने पहले कहा था कि समराइज करेंगे, यानी 1/3 की बात की थी, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को चूज करने की बात की थी। तो याद रखें कि जो प्रोसेस डायग्राम्स हैं और जो मैप्स हैं, उनमें समरी का मतलब किसी चीज को, किसी आइडिया को डिस्कस न करना नहीं है। यानी किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को या इम्पोर्टेंट फीचर को चूज करना और बाकियों को ड्रॉप करना यहाँ पे नहीं होगा। वो तब होता है जब बहुत सारे फिगर्स अवेलेबल होते हैं, जो कि हम बार ग्राफ्स में, लाइन ग्राफ्स में पढ़ेंगे, या पाई चार्ट्स में, या टेबल्स में। वहाँ पे इंफॉर्मेशन चूज की जाती है, सिलेक्ट की जाती है, और जहाँ पे प्रोसेस हो, साइकिल हो, या फिर मैप हो, वहां पे फिर हम बातें सारी करते हैं। सिर्फ ये है कि दो दो स्टेजेस को एक एक सेंटेंस के अंदर ले आना, दो दो चेंजेस को एक ही सेंटेंस के अंदर रखना, ये प्रोसेस होगा। उसको समरी उस तरह से बनाएंगे, यानी प्रिसाइज वर्डिंग यूज होगी, यानी हर हर एक सिंगल बिल्डिंग के लिए अलग सेंटेंस नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे पार्क है, उसकी जगह साइंस पार्क एंड म्यूजियम आ गया है, स्कूल है, उसकी जगह पे होटल एंड स्पा आ गया है, शॉप्स इंट्रोड्यूस हो गई हैं। अब अगर यहाँ पे थ्री डेवलपमेंट्स हैं एक तरह से देखा जाए, कि दो रिप्लेसमेंट्स हैं और एक इंट्रोडक्शन है शॉप्स की, अब अगर इन तीनों के लिए थ्री सेंटेंसेस बनाएंगे, तो फिर वो जाहिर है कि फिर समरी नहीं रही। तो समरी बनाने के लिए उनको मिक्सअप करके बताना पड़ेगा। मुमकिन है कि आप पार्क और स्कूल की जगह पे जो बिल्डिंग्स आई उनको एक में बता दें, या फिर आप लेट्स से कि स्कूल के साथ जो न्यू स्कूल की रिप्लेसमेंट में होटल एंड स्पा और फिर साथ में शॉप्स का इंट्रोडक्शन एक सेंटेंस में, ये बेहतर आइडिया है। और सेम गोज टू ऑलमोस्ट एवरी चेंज। अच्छा, ये भी लाजमी नहीं है कि हर सेंटेंस में ही दो दो डेवलपमेंट्स आए। आई मीन इन सम सेंटेंसेस यू कैन जस्ट मेंशन वन। फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह पे आप एक सेंटेंस में बता सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पार्क किस तरह से रिप्लेस हो गया, साइंस पार्क एंड म्यूजियम बन गया, जस्ट वन ऑफ देम, दैट्स मोर देन इनफ। सो ये है कि जहां जहां पॉसिबल हो, वहां दो दो चीजों को जो आपस में रिलेट कर रहे हैं, उनको एक सेंटेंस में कोशिश करें कि ले आए। ये कॉन्सेप्ट है। इवन हमने प्रोसेस डायग्राम में भी किसी भी स्टेज को ड्रॉप नहीं किया। ये सिलेक्शन और जो रिपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो लगेगा जब बहुत सारे फिगर्स अवेलेबल होते हैं। इस बात पे कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। सर, आप कह रहे हैं कि ये मतलब बॉडी में हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं और कर नहीं भी सकते? पार्क है 1995 में, 2010 में साइंस पार्क एंड म्यूजियम है, तो अब एक एक को मेंशन करें या सारों को ही मेंशन कर सकते हैं या एक देखें, मतलब? ये तो बात कंफर्म है कि हम पार्क की जब बात करेंगे, तो जाहिर है कि वहां पे हम साइंस पार्क एंड म्यूजियम के साथ 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 उसको कंपेयर करते हुए आएंगे कि इसकी जगह पे ये बिल्डिंग आई है या ये जी फैसिलिटी आई है। और मैं ये कह रहा हूँ कि यानी किसी चीज को हम ड्रॉप नहीं करेंगे, जिक्र ओके सबका करेंगे, ओके और लेकिन ये होगा बॉडी कि बॉडी बॉडी पैराग्राफ के पैराग्राफ अंदर। हाँ, ये ठीक है बॉडी पैराग्राफ में होगा, लेकिन ऐसा है कि दो दो डेवलपमेंट्स को एक सेंटेंस में, जैसे होटल एंड स्पा और शॉप्स। अब होटल एंड स्पा जो है वो स्कूल को रिप्लेस कर रहे हैं, और शॉप्स जो है वो बिल्कुल नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है। तो अब ये दोनों डेवलपमेंट्स एक ही सेंटेंस के अंदर रख सकते हैं। और अगर सेपरेट कर लें तो? सेपरेट कर लें तो कर लें। फिर सेपरेट करने का मतलब ये होगा कि उसको फिर कहीं और पे जोड़ें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट से शॉप्स को अलग से करना चाहती हैं, तो फिर पार्क और स्कूल की जगह पे साइंस पार्क एंड म्यूजियम और होटल एंड स्पा हैं, इसको एक सेंटेंस में रखें। मतलब कहीं ना कहीं पे उसको कंबाइन जरूर करें। किसी न ओके किसी कोई ना कोई ऐसे डेवलपमेंट्स होने चाहिए कि जिनको आप एक ही सेंटेंस में रख रहे हों। आपका मतलब इसी है कि तरह, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है? हाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसके अलावा भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिर्फ और सिर्फ ये इस डेवलपमेंट की बात की जाए, एक डेवलपमेंट की, कि पार्क की जगह पे साइंस पार्क एंड म्यूजिक म्यूजियम आए हैं, वो सिर्फ उसी को बनाने बताते हुए भी कॉम्प्लेक्स बन सकता है। विच वॉज बिगर इन साइज कहेंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स बनेगा।
यानी आप कंपाउंड बनाते हुए भी दोनों को साथ मेंशन करें, यानी समराइज करने के लिए कहीं ना कहीं पे दो दो डेवलपमेंट्स को एक एक सेंटेंस में रखना पड़ेगा, मतलब पर्पस ये है. कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तो ऑफकोर्स जाहिर है कि वो एक डेवलपमेंट के अंदर भी बन सकता है, दो डेवलपमेंट साथ में आ जाए एक सेंटेंस में तब भी बन सकता है. यहाँ पे वो मेरे जहन में नहीं था, मतलब जहन में मेरे ये है कि वो समराइज करने वाली जो बात मैं बता रहा था. लाजमी नहीं है कि मतलब आप सारे के सारे सेंटेंसेस में दो दो डेवलपमेंट्स, कभी कुबार इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. अच्छा, कभी कुबार ये भी होता है कि अगर कोई डेवलपमेंट काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है तो एक डेवलपमेंट को दो सेंटेंसेस में भी डिवाइड किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशंस. अच्छा, अब जो नेक्स्ट बात समझने की है वो ये है कि एज यू नो दैट वी नीड टू डिवेलप ऑल द आंसर्स इनटू टू बॉडी पैराग्राफ. सो इन ऑर्डर टू मेक इट अ टू बॉडी पैराग्राफ आंसर, हमें करना पड़ेगा यहाँ पे एक छोटा सा एनालिसिस अपने ग्राफ का, सॉरी मैप का. कोई भी मैप हो उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. अब ये डिवीजन के लिए आपने अपने मैप के अंदर जो चीजें ढूंढनी है वो ये हैं कि या तो उसके बीच में कोई रोड ऐसा होगा जो मैप को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हो, इधर देर इज अ रोड और देर इज अ रिवर और देर इज अ लॉन्ग रो ऑफ बिल्डिंग्स और देर इज अ गार्डन और देर इज अ पार्क और देर इज अ कॉरिडोर. देर इज समथिंग विच डिवाइड्स योर मैप इंटू टू टू पार्ट्स में. लेट्स से अगर कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है तो उसको देखें कि बीच में खाली जगह होगी, यानी वैसे कुछ भी नहीं है, जस्ट देर इज नथिंग एट ऑल. सो अब उसको हम नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे, या सॉरी नॉर्थ और साउथ में, या फिर ईस्ट और वेस्ट में, देखेंगे कि कहाँ पे किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है. तो डिवीजन लाजमी करनी पड़ेगी. उसकी वजह यह है कि अनलाइक द प्रोसेस डायग्राम्स, अब हमने कल जो प्रोसेस डायग्राम्स पढ़े थे उसमें आपने देखा कि एक प्रोसेस एक ही बॉडी पैराग्राफ में आ रहा है, दूसरा प्रोसेस दूसरे बॉडी पैराग्राफ में आ रहा है. लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि इन दोनों को साथ में कंपेयर करते हुए करना है, तो एक ही बॉडी पैराग्राफ में दोनों मैप्स का जिक्र हो रहा है. यानी जहां पे मैं पार्क की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह सकते कि वहां पे एक पार्क है, असल में मैंने कंपेयर करना है कि उस पार्क की जगह पे क्या आया है, या मुमकिन है कि वही पार्क ने ज्यादा जगह घेर ली हो, या उस पार्क की जगह पे किसी और तरह की कोई बिल्डिंग आ गई, कोई और फैसिलिटी आ गई. तो अब क्योंकि इंफॉर्मेशन दोनों मैप्स में से एक ही साथ साथ जा रही है पैरेलल, तो अब मुझे सारे की सारी चीजें एक ही बॉडी पैराग्राफ में रखना तो बिल्कुल समझ में ना आने वाली बात है. सो इसके लिए हमें अपने मैप को किसी ना किसी तरह दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा. सो अब यहां पे गौर से देखें और इस मैप के बारे में बताएं. मैं और भी मैप्स बाद में आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख के बताएं कि क्या डिवीजन पॉसिबल है. क्या हाल सर? कैनाल कहें या रिवर कहें, बिकॉज द नेम इज नॉट गिवन सो वी कैन जस्ट यूज एनी नेम. When the vein is above the canal and the other is below. So अगर हम if we use for example the compass, तो कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड होगा? सर नॉर्थ एंड साउथ. यस, बिल्कुल. सो कोई ऐसी जगह आ सकती है कि जहां पे, वेरी गुड, और जहां पे इस तरह की रिवर मौजूद ही नहीं है. एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि यहाँ पे रिवर नहीं है, या लेट्स से कैनाल इज नॉट देयर, तो क्या करेंगे? फिर भी उसी तरह की डिवीजन, नॉर्थ एंड साउथ. हाँ, क्योंकि देखें कि वो डिस्टेंस भी है बीच में. कोई ना कोई डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी ताकि हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकें. ठीक है सर, जहां पर कंपास गिवन होगी वहां पर हमने इस तरह की डायरेक्शन लेनी है, अगर ना हो तो हमने नहीं लेनी होगी ना. देखिए, अगर अगर तो कंपास गिवन नहीं है लेट्स से, तो आप उसको एक देखें, एक कॉन्सेप्ट समझे. बाय डिफॉल्ट अगर याद हो सके कि हमेशा आपकी राइट साइड पे ईस्ट और लेफ्ट पे वेस्ट है, और फ्रंट पे नॉर्थ है, और बैक पे साउथ है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट है. लेट्स से कि अगर आपको ये याद नहीं रहता तो फिर आप राइट लेफ्ट का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. और मतलब आई समटाइम्स आई लेट स्टूडेंट्स डू दैट
और मतलब उस तरह से भी काम चल सकता है, इट डजेंट मैटर. लेकिन वो भी एक, जिसको कहते हैं ना कि एक रेयरिटी है, मतलब वंस इन अ ब्लू मून ऐसी सिचुएशन आएगी, और अगर आई भी तो याद हो तो अच्छा है कि नॉर्मली क्या कंपस की डायमेंशंस होती हैं, कि इट इज नॉट मेंशन्ड. अगर आपने सैंपल्स पढ़े हों तो उन सैंपल्स में से एक दो मैप्स ऐसे जरूर हैं, तो अगर आप देखा हो मैंने अपलोड किए थे कि वहां पे कोई ऑलरेडी गिवन कंपस है ही नहीं, लेकिन फिर भी वहां पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का एक्सप्रेशन. सो इट इज फाइन टू नॉट यूज देम व्हेन इट इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि वहां पे जो चीज मेंशन नहीं है उसको फिर बाहर से इन्वोक करना कोई लाजमी चीज नहीं है. लेकिन क्योंकि अंडरस्टूड बात है, ये बाय डिफॉल्ट है. अब मतलब हम किसी भी रूफ पे बैठे तो हमारे सामने नॉर्थ तो नहीं होता, लेकिन मैप जब बन रहा होता है तो एक्चुअली वो डायमेंशन हमें ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ऐसा ही होता है. लेकिन बट यू कुड से राइट लेफ्ट यू नो अप डाउन. अप डाउनवर्ड अप डाउन हाँ यस, सो दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल. अच्छा ये तो एक बात हो गई. अच्छा दूसरी बात ये कि अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ थोड़ा शॉर्टर होगा और सेकंड बॉडी पैराग्राफ थोड़ा सा हैवियर होगा. सो कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप चाहें तो आप इस पोर्शन को, सदर्न पार्ट को, पहले बॉडी पैराग्राफ में रख लें. आई मीन इट्स नॉट इसेंशियल कि आप बिल्कुल टॉप से शुरू करें, ये आपकी मर्जी होती है. अच्छा डायमेंशन की जब बात आई, तो अगर आपने जो मैंने एक्सप्रेशंस ड्रॉप किए हैं ग्रुप में, अगर आपने उनको देखा हो, तो कभी कुभार हमारे जहन में मतलब कहीं ये बात न रह जाए कि शायद हमेशा हमें ये कहना पड़ेगा कि टू द नॉर्थ देयर वाज अ पार्क, टू द नॉर्थ देयर वाज अ स्कूल, टू द साउथ देयर वाज अ फार्म हाउस. बार बार अगर हम नॉर्थ और साउथ ही कहेंगे तो फिर वो भी रिपीटेशन आ जाएगी. लेकिन जैसे कि अभी मुइज ने कहा कि लेट्स से अगर कंपस गिवन नहीं है तो क्या किया जाए, तो उसमें जैसे एक्सप्रेशंस के अंदर भी आप देख सकते हैं कि टॉप और बॉटम, राइट और लेफ्ट का एक्सप्रेशन वहां पे भी मौजूद है. इसी आइडिया से एक्सटेंड करके आप यहाँ पे अगर आ जाएं कि लेट्स से अगर आप शुरू करते हैं पार्क से, आप पार्क जाहिर है कि इट्स टू द नॉर्थ ऑफ द मैप, या टू द नॉर्थ ऑफ द रिवर, टू द नॉर्थ ऑफ द कैनाल. अब जो नॉर्थ में वो ऑलरेडी है, अगर ओवरऑल देखा जाए, तो अब जो स्कूल की बात आएगी, तो अब स्कूल के लिए मैं बजाय नॉर्थ ऑफ द रिवर या नॉर्थ ऑफ द मैप कहने के बजाय मैं कह सकता हूं ईस्ट टू द ईस्ट ऑफ पार्क. ऑफ द पार्क. हाँ, और मैं ईस्ट कह सकता हूं, मैं राइट कह सकता हूं, और उसके बाद शॉप्स के लिए आप टू द साउथ ऑफ द होटल एंड स्पा कह सकते हैं, और आप चाहें तो कह सकते हैं एट द बॉटम, या बट दैट वुड बी अ बिग ऑकवर्ड. मेरा ख्याल है बॉटम का एक्शन में ऐसे ही बोल रहा हूँ, नहीं वो नहीं होगा. सो इट 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 शुड बी टू द नॉर्थ, क्योंकि वो बिल्कुल उसके नॉर्थ में. तो मतलब ये कि जो पहला रेफरेंस आप ले रहे होंगे, जो पहला पहली जो फैसिलिटी है, उसी को फिर आप रेफरेंस लेंगे अगले बिल्डिंग के लिए, फिर उससे अगले के लिए. तो वहां पे फिर ऐसा ना हो कि बार बार आप नॉर्थ 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 कहते जा रहे हो, या बार बार आप साउथ 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 कहते जा रहे हो. तो शॉप्स आर एक्चुअली टू द साउथ ऑफ होटल एंड स्पा. इसी तरह आप जब आएंगे फॉर एग्जाम्पल टू द साउथ ऑफ द रिवर, तो अब फार्म हाउस है आपके पास. अब फार्म हाउस के साउथ में फार्म लैंड है. अगर आप फार्म लैंड से शुरू करते हैं तो फार्म लैंड के नॉर्थ में फार्म हाउस है, तो डायमेंशन वहां से. और फिर लेट से आप टम्बल डाउन की बात करते हैं, तो फिर उसके बाद बिल्कुल उसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड की तरफ हॉस्पिटल था, जो कि अब नहीं रहा. सो इस तरह से आप अपना रेफरेंस लेते जाएंगे. सो ये बहुत ही इजी काम है. तो एक ही बात बतानी है कि बिल्डिंग कौन सी थी, उसमें क्या तब्दीली आई है. ये तब्दीली मुख्तलिफ टाइप्स की हो सकती है. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ द साइज ऑफ द फैसिलिटी ऑफ द बिल्डिंग, इट कुड बी इन द चेंज ऑफ द टाइप ऑफ बिल्डिंग, इट कुड बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग, कि बिल्कुल ही नई कोई बिल्डिंग हो, उसकी शेप बदल गई हो,
सो उसके लिए कुछ एक्सप्रेशन चाहिए, बाकी मेरा ख्याल है कि कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अब दो बॉडी पैराग्राफ्स को कनेक्ट करने के लिए भी आपके लिए कुछ एक्सप्रेशन चाहिए, क्योंकि ये अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है, तो उसके लिए आप दो फ्रेजेस ये बेशक नोट करके रख लें। टू द नॉर्थ, टू द साउथ, बॉडी पैराग्राफ शुरू करने के लिए इससे इसी को कहते हैं कोहेरेंस एंड कोहिजन, के दो पूरे बॉडी पैराग्राफ जो हैं वो आपस में सिर्फ और सिर्फ दो फ्रेजेस की वजह से कनेक्ट हो रहे हैं। अब जिस तरह से हमने बॉडी पैराग्राफ्स देखे थे ऑफ द प्रोसेस डायग्राम्स एंड द मैप्स, तो वहां पे हम एक्सप्रेशंस दूसरे यूज करते थे। फॉर एग्जांपल हम कहते थे फर्स्टली या टू बिगिन विद, और इस तरह के एक्सप्रेशंस होते थे। तो अब वहां पे क्योंकि दो अलग अलग किस्म के प्रोसेस डायग्राम्स होते थे, तो वी सेड यस्टरडे के वी कुड स्टार्ट द सेकंड बॉडी पैराग्राफ विद एन एक्सप्रेशन लाइक ऑन द अदर हैंड। ये अगर याद हो तो कनेक्ट करने के लिए होता है, दो बॉडी पैराग्राफ्स को कनेक्ट करने के लिए भी यू नीड एन एडवर्बियल फ्रेज, ये एडवर्बियल फ्रेजेस हैं। तो ऑन द अदर हैंड बता रहा होता है कि दूसरी तरफ, इसका मतलब है कि ये एक तरफ तो एक काम था, आप उसको एक तरह से कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करना या कंट्रास्ट करने का मतलब होता है कि यू आर कनेक्टिंग देम, सो वो जो लिंक बनता है वही लिंक कोहेरेंस एंड कोहिजन है। और ये जो कोहिजन का जो लफ्ज है, मैं इसकी मिसाल हमेशा वो मैट्रिक में जो बायोलॉजी पढ़ाते थे जिसमें कोहिसिव गम्स की बात होती थी, जैसे कि रबर ट्रीज होते हैं, जहाँ अगर आपको इसको यूं समझिए कोहेसिव डिवाइसेस की हेडिंग भी होती है, जहाँ पे अगर कहीं कहीं पे ये जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं या कंजंक्शन हैं उनके लिए लिंकिंग डिवाइसेस, तो इन्हीं के जरिए ही कोहेजन एंड कोहेरेंस है, और विच इज वन ऑफ द असेसमेंट फीचर्स। तो कोहेजन और कोहेरेंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन और कंजंक्टिव एडवर्ब्स और कंजंक्शंस का होना लाजमी है, तो ये बस याद रखना। अच्छा, अब यहाँ पे ऑफ द रिवर है, किसी जगह पे वो ऑफ द मैप हो सकता है, किसी जगह पे वो किसी और बिल्डिंग का नाम हो सकता है। अब जो एक्सप्रेशंस हैं ये मेरे पास और भी बड़े सैंपल्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, मैं उनमें से आ सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के इससे आ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन किस्म के सैंपल्स हैं। और भी सैंपल्स हैं, और भी सैंपल्स के अंदर से आप आइडियाज ले सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा आपको कहीं मिलेगा नहीं। कहीं मिला तो मुझे बता देना, मेरे भी काम आएगा। अब ये क्या है? पार्क है और ये स्कूल है, आई मीन ये था पार्क, ये था एक स्कूल, और ये साइंस पार्क एंड म्यूजियम है नहीं, बना, दोनों पास से हमारे लिए याद रखना। तो अब हम कहेंगे कि पार्क बदल गया इसमें, स्कूल की जगह ले ली होटल एंड स्पा ने, और कुछ शॉप्स भी तामीर की गई। सो नाउ जस्ट लुक एट दिस सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल, टू द नॉर्थ ऑफ द रिवर द पार्क मेड वे, ये एक्सप्रेशन याद रखना, बल्कि लिख लेना, एक्स मेड वे फॉर वाई। आई होप यू गाइस आर टेकिंग नोट्स। यस आर सर यू कुनाल, यस सर। गुड गुड। मैं देखें, मैं आपका टेस्ट तो नहीं ले रहा, मैं तो आप लोगों को बता रहा हूं कि सीखना कैसे है। लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ब्रॉड एक फील्ड होता है, तो यहां पे अगर आप सोचना चाहो तो हजारों तरीके आ सकते हैं, बट यू हैवन गॉट इनफ टाइम, एंड यू नो व्हाई वुड समवन वेस्ट यू नो लॉट ऑफ टाइम इन थिंकिंग ऑफ अननेचुरल एक्सप्रेशंस व्हेन देयर आर ऑलरेडी एक्सप्रेशंस विच आर अवेलेबल इन इन नेचुरल फॉर्म। तो आप डायरेक्टली अपने एक्सप्रेशन यहीं से पिक कर लें, एंड फिर आपके जहनों में वो सवाल आ सकता है जो कल आया था, जैसे कल तहसीना पूछ रही थी कि क्या ये कॉपी नहीं होगा। तो देखें, अगर एक बेहतरीन एक्सप्रेशन को कॉपी करके आप कहीं यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी राइटिंग के क्वेश्चन जो हैं वो जाहिर है कि रिपीट तो होने से रहे, तो पर्टिकुलर रिपोर्ट वगैरह, तो
तो उसमें तो आप अगर ऑलरेडी यूज्ड कोई एक्सप्रेशन उठा रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो हर मरतबा नया ही है। अच्छा वैसे एक बात बताऊं कि ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम, सर एक क्वेश्चन यानी है जी जी प्लीज। सर, इसमें इस मैप में टम्बल डाउन के लिए एक छोटा सा वो इसमें देखिए ओवरव्यू में लिखा हुआ है कि इट बिकेम बिगर विद मोर बिल्डिंग्स देन फोर, तो टम्बल डाउन पूरा पूरे मैप में तो नहीं है, उसमें बिल्कुल छोटे से दो एरियाज हैं जो लिखे हुए कि ये टम्बल डाउन है, असल में बिल्डिंग यहाँ तो उसके सराउंडिंग इस है। टाइटल की वजह से है, ये पूरा एरिया जो है ना, ये पूरा एरिया टम्बल डाउन का है, ये उसका रेजिडेंशियल एरिया है, या जिसको जिसको पर्टिकुलरली आप सिटी कहें, जिसको डाउन टाउन कहते हैं, सिटी सेंटर, ये इन्होंने यहाँ पे ऊपर टाइटल भी दिया हुआ है एक्चुअली। ठीक सो ये पूरा एरिया अराउंड टम्बल डाउन इज एक्चुअली टम्बल डाउन, ठीक है। ओके सो आप यहाँ पे चाहें आप कहें कि इट कैन बी सीन दैट द एरिया अराउंड टम्बल डाउन हैड मोर बिल्डिंग्स देन बिफोर एंड ऑल्सो द सिटी ऑफ टम्बल डाउन बिकेम बिगर, यू कैन जस्ट गो फॉर दैट। यस आई मीन देर इज नो क्लेम ऑफ एनी एनी परफेक्शन एनीवेयर, आई मीन यस यू कैन इम्प्रूव इट, राइट सर। गुड पॉइंट दो। तो ये इन्होंने इसलिए यूं कहा क्योंकि यहाँ ऊपर जो हेडिंग दी है पूरे मैप को टम्बल डाउन कहा। वैसे तो ये ऑफ कोर्स दिस इज द ओनली पार्ट जो क्या नाम देते हैं, आई डोंट नो ये कलर्स के नाम भी फीमेल्स को ही ज्यादा पता होते हैं, मुझे तो रेनबो के कलर्स पता हैं बस, मैं उसको रेड कहूंगा, आई डोंट नो व्हाट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। यस आई थिंक शहरीश यू वॉन्ट टू शेयर योर टू हैंड्स ऑन इट। सर रस्ट कलर भी, रस्ट भी बोल सकते हैं इसको, ऑरेंज भी शेड दे रहा है। बस मैंने कहा था ना कि आपको ही बेहतर पता होगा। खैर अच्छा, सो एक्सप्रेशन सीखें कि एक्स मेड वे फॉर वाई, कि फला चीज ने फला चीज के लिए जगह बनाई। अब ये फिर वंस अगेन पर्सोनिफिकेशन है कि वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता पार्क, लेकिन हमने उसको क्वालिटी दी, तो मेड वे फॉर अ साइंस पार्क एंड म्यूजियम, तो पार्क मेड वे फॉर अ साइंस पार्क एंड म्यूजियम, यानी पार्क हट गया, जगह बनाई उसके लिए, विच वॉज अ स्लाइटली बिगर इन साइज। तो अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बन रहा है लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ एक ही है। आई थिंक ये सवाल आपने इस तरह का ही कुछ कोई सवाल पूछा था। अच्छा अब देखें, स्कूल को फिर उन्होंने एक ही सेंटेंस में स्कूल की जो रिप्लेसमेंट हुई है होटल एंड स्पा की फॉर्म में उसको बताया कि द स्कूल विच वॉज टू द ईस्ट ऑफ द पार्क इन 1995। देखिए ईस्ट ऑफ द पार्क स्कूल कब थी, 1995 में, ईस्ट की तरफ थी पार्क के, वॉज डिमोलिश्ड, डिमोलिश्ड बिल्डिंग खत्म की गई, हटा दी गई, रिमूव की गई, एंड होटल एंड स्पा वे बिल्ट इन इट्स प्लेस, उसकी जगह पे होटल एंड स्पा बिल्ड किए गए। और फिर उन्होंने अगले सेंटेंस में शॉप्स के बारे में बात की है, इफ यू व्हेन यू वांट टू राइट इट, तो यहां पे प्लेस का जो सेंटेंस है इसके बाद आप लगाएंगे सेमी कॉलन और उसके बाद आप लिखेंगे फाइनली सम शॉप्स वर कंस्ट्रक्टेड। वजह उसकी ये है कि आपको कोशिश करना चाहिए कम सेंटेंसेस में ज्यादा बातें हों। सेमी कॉलन इसलिए आना चाहिए कि सेमी कॉलन एक्चुअली फैन वॉइस की जगह पे आता है, तो यहाँ पे एक्चुअली होता ये कि द स्कूल विच वॉज टू द ईस्ट ऑफ द पार्क इन 1995 वॉज डिमोलिश्ड एंड होटल एंड स्पा वर बिल्ट इन इट्स प्लेस एंड फाइनली सम शॉप्स वर कंस्ट्रक्टेड। तो अब हम एंड को लिखेंगे नहीं क्योंकि इतने लॉन्ग सेंटेंस में थोड़ी सी पंक्चुएशन को भी ऐड करेंगे, तो वहां पे हम सेमी कॉलन लगा के फिर आगे बात करेंगे। अच्छा सो ये बात हो गई नॉर्थ जो पार्ट था रिवर के ऊपर की तरफ। तो यहां से सीखने की चीज ये है कि मेड वे, एक्स मेड वे फॉर एक्स, डैश वॉज डिमोलिश्ड, डैश वॉज बिल्ट, या एक्स एंड वाई वर बिल्ट,
कंस्ट्रक्टेड, ये वोकैब भी मैंने, कंस्ट्रक्टेड का जो एक्सप्रेशन है ये भी आप देख सकते हैं, जो फ्रेजेस मैंने अपलोड किए हैं उनके अंदर ये भी है। Alright, and then to the south of the river, there was the replacement of the farmhouse. अब ये replacement जो है ये noun के तौर पे use हुआ है. You could have said के the farmhouse and farmland were replaced. यानी इन दोनों को एक ही development के तौर पे लिया गया. तो अब यहाँ पे replacement noun के तौर पे आप चाहें तो उसको replaced यानी verb के form में भी ले सकते हैं. Dash was there was the replacement of the dash with a dash. आप लिख लें. There was a replacement of X with a Y. यानी फला चीज को हटा के फला चीज डिवेलप की गई. तो यहां पे एक वर्ड इन्होंने मिस किया है जो होना चाहिए था. कौन बताएगा? इस सेंटेंस के आखिर में एक वर्ड आना चाहिए था. हमने उस वर्ड की पहले भी किसी क्लास में बात की है. एक वर्ड होना चाहिए था. कोई बताए प्लीज. सोच के बताएं. मैं आपको मैप भी दिखाता हूं. Farmhouse and farmland की जगह साइंस अकेडमी एंड साइंस लेबोरेटरीज. दीज टू आर टू सेपरेट बिल्डिंग्स. फार्म हाउस और फार्म लैंड अलग चीजें हैं. साइंस अकेडमी और साइंस लेबोरेटरी अलग फैसिलिटीज हैं. अब बताएं क्या वर्ड आना चाहिए था इस सेंटेंस के बिल्कुल एंड पे. रिस्पेक्टिवली. यस, ये बात बितरतीब. सो यहां पे रिस्पेक्टिवली आना चाहिए ताकि फार्म हाउस की जगह पे साइंस एकेडमी और फार्म लैंड की जगह पे साइंस लेबोरेटरीज. ये है, यहां पे आना चाहिए रिस्पेक्टिवली एंड पे, वरना वो आइडिया क्लियर नहीं होता. अब मैं ये बार बार इन चीजों के ऊपर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि किसी भी सैंपल को परफेक्ट न समझना. ये बातें मैंने रमजान में भी आपको बताई थी कि राइटिंग मॉड्यूल के सैंपल्स में अपलोड तो करूंगा लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट्स हो सकती हैं, इसलिए मैं पहले अपलोड नहीं कर रहा था. बट आपने कहा तो मैंने किया था और साथ में ये आपको डिस्क्लेमर दिया था कि ये इशू हो सकता है. लेकिन वंस अगेन जाहिर है कि आपने जो सीखी हैं बातें उनको आपने खुद अप्लाई करना है. सो किसी भी सैंपल को हम द बेस्ट सैंपल यू समझ द परफेक्ट सैंपल नहीं कह सकते. देयर कुड बी पॉसिबिलिटीज टू इम्प्रूव एक्सप्रेशंस. अच्छा, द सिटी ऑफ टम्बल डाउन एक्सपेंडेड. एक्सपेंडेड की जगह पे एक और आप एक्सप्रेशन लिख के रखें. जी आर ओ डब्ल्यू बिगर, ग्रो बिगर. उसकी पास्ट फॉर्म यूज होगी तो ग्रू बिगर. एक्सपेंडेड की जगह पे became bigger हो सकता है, grew bigger हो सकता है, expanded हो सकता है. So ये भी यानी x expanded. और यहां पे इन्होंने magnitude भी बता दिया to about 1.5 times its size. About इसलिए कहा because you don't have exact figures here. So it's just a mere guess. यानी जो एक apparently जो नजर आ रहा है उसके हिसाब से about या around approximately, roughly, nearly का expression use करेंगे क्योंकि आपको exactly तो नहीं पता कि ये 1.5 या 1.5 times exactly तो नहीं हुआ जाए. So about का expression. अच्छा, फिर while there was a hospital to the northeast of the city, ये city है उसके northeast पे hospital है. So while there was a hospital to the northeast of the city, comma, it no longer existed. तो जो चीज बिल्कुल गायब हो जाए. और इसके लिए आप it was demolished भी कह सकते हैं, लेकिन demolished के बाद अगर कोई चीज दोबारा built हुई है
तो फिर वो बताना होता है, नहीं तो आप जैसे ऊपर भी एक्सप्रेशन यूज हुआ तो आप इस पे कह सकते, लेकिन उन्होंने डिमोलिश इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. सो वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी. अच्छा, सो अब इसके बाद टू द ईस्ट ऑफ टम्बल डाउन, टम्बल डाउन के ईस्ट पे वुड, वुड कहते हैं फॉरेस्ट या जंगल, और ऑस्ट्रेलियन वोकैब में बुश भी कहते हैं. वैसे बुश आमतौर पे झाड़ी को कहते हैं, बट जंगल को भी बुश कहा जा सकता है. द लार्ज वुड एरिया वॉज कट डाउन टू अबाउट 20%. ये भी इसलिए 20% के साथ अबाउट लगाया बिकॉज एग्जैक्ट फिगर्स अवेलेबल नहीं हैं. तो अगर आप चुपचाप 20% करेंगे तो जाहिर है कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट होगी और अच्छा एक्सप्रेशन नहीं होगा ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज. तो जो ओरिजिनल साइज थी उससे ऑलमोस्ट 1/5 हो गया. ठीक, एंड देन द टॉप एरिया वॉज रिप्लेस्ड बाय हाईटेक सेंटर बाय 2010. तो ये जो वुड है उसका जो टॉप एरिया था उसमें हाईटेक सेंटर इंस्टॉल किया गया. तो बस बस इतनी सी बातें हैं और मैप कोई मुश्किल चीज नहीं है. मेरा ख्याल है कि आप लोग कर पाएंगे इजीली. आप लोग जब भी आंसर्स लिखें तो जरूर सैंपल्स को देख के, टेम्पलेट्स को देख के अपने एक्सप्रेशंस को उसी हिसाब से पेव करें. ये जो सैंपल्स होते हैं या टेम्पलेट्स होते हैं ये एक तरह से कहें कि जिस तरह लाइट हाउस होता है, मीनारे नूर जो कहते हैं, कि समंदर के कॉर्नर पे हुआ करता था, जो जो शिप्स होती थी उनको डायरेक्शन दिखाने के लिए. सो ये बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट है. यू आर नेवर गोइंग टू एग्जैक्टली कॉपी एंड पेस्ट द एक्सप्रेशंस दैट यू रीड इन द सेंटेंस, बट फ्रेजेस और एक्सप्रेशन भी किए जा सकते हैं. आइडिया आपको हो गया है. सो इट इज पॉसिबल कि सेम स्टूडेंट सॉरी सेम क्वेश्चन को अलग अलग स्टूडेंट्स करें और हर एक अलग अलग एक्सप्रेशन यूज करे और अलग अलग तरीके से बात करे, और एवरी वन कुड बी राइट एंड डिफरेंट एट द सेम टाइम इन देयर अप्रोच एंड अंडरस्टैंडिंग. सो दैट्स ऑल अबाउट अ मैप. बाद में अगर कहीं आपके लिखने की वजह से कोई कंफ्यूजन डेवलप होती है या कोई सवाल जहन में आता है तो मैं उसी हिसाब से बात करता रहूँगा. एंड टुमारो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दी बॉडी पैराग्राफ्स, के जो बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और टेबल्स वगैरह के होते हैं, क्योंकि उनमें ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेटजीज होती हैं. और बस आज की क्लास इतनी ही है. अभी आपके जहनों में कोई सवाल है तो वो डिस्कस करते हैं, वरना आई जस्ट वांट टू कंक्लूड द क्लास टुडे. Yes, anyone? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है. चलें बस, थैंक यू सो मच. जिनके आंसर्स आए हैं मुझे, आई एम गोइंग थ्रू देम एंड आई विल लेट यू नो व्हाट एवर द प्रॉब्लम्स आर. जी सहरिश, यू हैव अनम्यूटेड योर माइक. सर यही कहना था कि अभी कोई क्वेश्चन नहीं है. बस ठीक है, आप लोग जब लिखने लिखना शुरू करेंगे तो क्वेश्चंस आएंगे, जहनों में जरूर आएंगे, और देखें कोशिश करें. और अभी मेरा ख्याल है कोशिश करके जल्द से जल्द लिखें. डेडलाइंस क्या देनी है, बस आप खुद ही कोशिश करके जल्दी लिखें ताकि उसी हिसाब से बात हो सके. सो दैट्स ऑल फॉर द डे.
एंड कल के बारे में आई एम नॉट श्योर कि इफ आई वुड बी एबल टू कंडक्ट ए क्लास. मैंने कल भी कहा कि इस वीक हम थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकते हैं, लेकिन अगर क्लास ना होनी हुई ना, मैं नवीद और सैलिश के थ्रू इन्फॉर्म किया करूँगा. लेकिन अगर मैं उनको पहले इन्फॉर्म नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि क्लास होगी 5-10 मिनट लेट हो सकती है. ओके सर. सो एक्चुअली आई हैव सम गेस्ट दिस वीक, तो मैं थोड़ा सा इस वजह से डिस्टर्ब हूँ. तो बहरहाल इंशाल्लाह कोशिश करके हम क्लासेस करेंगे जब भी पॉसिबल हुआ. सो ठीक है ना जी जी सर. इन फ्रंट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन होती है, ऑपोजिट के साथ कौन सी? इन फ्रंट ऑफ ऑपोजिट टू टू और अहेड ऑफ. ओके थैंक यू. प्लेजर. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच इंडीड. अल्लाह हाफिज. बाय बाय. अल्लाह हाफिज सर. थैंक यू. कल की असाइनमेंट कोई नहीं है? असाइनमेंट है ना, मतलब बस आप अभी देखें, जैसे कल हमने बात की थी अबाउट प्रोसेस डायग्राम्स, तो कल प्रोसेस डायग्राम्स के लिए जो बुक्स अपलोड की उनके अंदर जितने प्रोसेस डायग्राम्स हैं वो लिख लें, एंड जो आज हमने मैप्स की बात की है तो वो मैप्स का के ऊपर लिख लें. सो जिस दिन हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन उन्हीं बुक्स में से निकाल के आपने लिख लेने हैं. राइट सर, ये काम. ठीक है. ऑलराइट, थैंक यू. Okay, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.